सलुआ वसलम तस्लिमा असलात अलैका या सय्यदी या अल्लाह व अला आलिका व वबिक या हबी अलैका या सय्यदी या ख़ा तमनबी हा आलाली का वस हबिका या सय्यदी या ख़ा तमास मौला सलम

मफ़र मौजूदा जीनत बज़म कायनत दस्तगीर जहाँ गमगुसार जवाँ सैद सरवरा हामि बेकसा कादलमसलिन ख़ातमनबीन अहमद मुजतबा जनाब महमद मुस्तफ़ा साल ही वह हाबीही वबारक वसलम के दरबार गहरबार में हदी दरूदलम अर्ज़ करने के बाद व बरकातहू वबरकू जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें एक बार फिर माह मुबारक के सादत अफरोज़ लम्हात अता फरमाए हैं और इस वक़्त अशराय मगफ़रत अपनी नबादशात से गुनाहगारों को फैज याब करते हुए गुज़र रहा है तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के जेर एहतमाम 28वां सालाना फमदीन कोर्स जो कि हज़रत शाह जलाल रिसर्च सेंटर में जारी है आज हमारा मौजू है अहवाल जन्त मेरी दुआ है खाल के कायनत जला जलाल हम सब को कुरान सुन्नत का फाहमता फ़रमाए और कुरान सुन्नत के बिलाव तबलीग और इस पर अमल की तोफ़ीकता फ़रमाए इंसान के साथ जिन का तजकर कुरान मजीद बुरान रशीद में इंसान से पहले किया गया है अल्लाह ने फरमाया वमा हलकुलजन्न वनस ले अबूदून कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें जिन आयत के अंदर ही इंसान का करीन नहीं है बल्कि इसके अलावा और भी सैकड़ों वजू हैं कि जिनको इंसान के साथ रफ़ाकत और संगत हासिल है फिर जिनों की कई अकसाम हैं और इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है वो भी जिनों में से है और इंसान के साथ जब इंसान पैदा होता है तो सही मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक हर इंसान के साथ एक करीन जिन्नों में से पैदा किया जाता है जो उसके साथ उसकी ड्यूटी होती है और वो उसको वसव से डालता है और बुराई की तरफ़ मैल करता है तो इस बुनियाद पर आकबत संवारने के लिए और दुनियावी ज़िंदगी कामयाबी से बसर करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जिन्नात के बारे में जो कुरान और सुन्नत में हमें बताया गया है हम उसको जहन में रखें जो जिन्नात की एक्टिविटीज़ हैं उनका हमें पता हो जिन्नात से बचाओ के जो तरीक़े हैं और बाज बातें जो महज वामी तौर पर फैला दी गई हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है ये सब कुछ जानना ज़रूरी है इससे पहले भी अगरचे इस मौजू पर हमारी गुफ्तु पिछले कोर्सेज़ में मख्तर हुई है लेकिन आज तफसीलन इस सिलसिला में इनशा बयान किया जाएगा और इसका ये मकसद है कि ये हक़न में रखे जाएं और कुरान-सुन्नत के अंदर जो कुवत है किसी जिन में ये ताकत नहीं कि वो कुरान-सुन्नत की कुवत को चैलेंज कर सके और कुरान सुन्नत के अंदर जो जिन्नात को कंट्रोल करने का तरीक़ा है इससे कोई जिन बगावत कर सके तो कुरान सुन्नत की तरफ मुतव होने की ज़रूरत है और ये जो आमलों ने धंधे कई शुरू कर रखे हैं और फिर उसमें बाज़ तक के अकायद या कुछ काम ऐसे होते हैं जो लोगों से करवाए जाते हैं या ख़ुद वामिल करते हैं तो उन सब से बच कर कुरान सुन्नत के सहारे ज़िंदगी बसर करना ये अक्लमंदी भी है और ये दुनिया और आख़रत में कामयाबी का राज भी है कुरान मजीद बुरहान रशीद की मुतद्दद आयात में जिन के लफज का ज़िक्र है रसूल अलैहि वसल्लम की मतदद हदीस जो हैं वो इस सिलसिला में मौजूद हैं और चौदह सदियों के अंदर आइमा ने जजवी तौर पर फ़िका की किताबों में या तफसर और हदीस की किताबों में इन पर बहस की है और बाज़ अकाबरीन ने इस सिलसिला में मुस्किल किताबें भी तसनीफ़ की हैं जिसके अंदर जिनों के आहकाम का ज़िक्र किया गया है जिन की गुफ्तु में ये जहन में रखना चाहिए कि एक है जान नून मशद के साथ जिसमें क़ुरान मजीद बुरहान रशीद के चौदें पारे में खाल कायन जला जलाू ने उसके बारे में ये फ़रमाया वल जान खलक नाह मिन कबल मिन नारूम के जान को जान को हमने पैदा किया पहले यानी अभी इंसान की तखलीक नहीं हुई थी आदम की तख्लीक से पहले चूँकि पहले जो आयत है वो है वला खलक इंसान इंसान सलसालिम मिन, मिन हमा मसनून वलजान खलक खलकनाहु मिन कबल मिन नारिसमूम कि इंसान की तख्लीक़ से पहले जिन की तखलीक की जा चुकी थी और अल्लाह फरमाता है हमने जिन को नार से पैदा किया आग से समूम कि जिसमें धुआँ ना हो उस आग से हमने जिन को पैदा किया तो जिन के तख्लीक़ में भी इंसान से इसकी तखलीक़ पहले हो चुकी थी बल्कि ज़मीन के अंदर पहले मुस्दरक हाकिम की हदीस के मुताबिक सारी आबादियाँ ज़मीन पर जिन्नों की थीं जिस तरह के हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तन अन्हुमा से रवायत है कि ये जो आयत है इन्नी जनफिल अर्द खलीफ़ा कि मैं ज़मीन में अपना खलीफ़ा बनाने वाला हूँ इस आयत के तहत हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास नदी अल्लाह ने ये फरमाया है वदका नफ़ीहा क़बल युखला का बेअलफ़े आम अल जिन बनजान हत आदम सलाम की तख्लीक़ से पहले ज़मीन में दो हज़ार साल पहले जिन्नों की आबादी थी जो सारे जान की औलाद थे बुनुल जान थे यानी जिस तरह सारे इंसान हज़त आदमी की औलाद हैं ऐसे सारे जिन जो हैं ये जान की औलाद हैं यानी जान एक है और जिन आगे बेशुमार हैं जिस तरह हज़त आदमिम तो एक हैं और आगे औलाद आदम बहुत सी है फ अफ़ सदुफिलर्द तो ये जब ज़मीन पर रहते थे इंसान की तख्लीक़ से पहले तो इन्होंने ज़मीन में फसाद किया वफ़ाक दिमा और खून रेज़ी की फा सनूदम मिनलमलाए का जलाल ने फिर आसमान से फ़रिश्तों के लश्कर भेजे फ़दारबू हम उन्होंने इन्हें मारा यानी फ़रिश्ते पता चला कि जिनों से पावरफुल हैं तो जिन्नों का जो फसाद था शरंगेजियाँ थी ज़मीन पर उनको ख़त्म करने के लिए और असल में औलाद आदम के लिए ज़मीन ख़ाली करने के लिए फरिश्तों को भेजा गया कि वो जिन्नों को मार के इन्हें साइड पे करें हती अलोहम बे जज़ालबूर तो जिन्नों को फरिश्तों ने मार मार के सारे जो आबादियाँ थीं आम ज़मीन की वो ख़ाली करवा दी और इन्हें समुंदरों के जज़ीरों में डाल दिया समुद्रों के जो जजीरे थे यानी जो इंसानों के लिए तो चटियल मैदान मैदानी इलाका या जिस तरह भी मुफीद जगह हैं उन सब को ख़ाली करके इन्हें समुंदरों के जजीरों के अंदर डाल दिया गया तो इस बुनियाद पर जिन के लिहाज से बाहस चौदह सदियों में भी होती रही यहाँ तक कि यानी वजूद जिन जो है इसके बारे में किसी ने भी इख्तलाफ़ नहीं किया कि कोई कहे कि जिन होते ही नहीं हैं यहाँ तक कि कुफार ने भी वजूद जिन को तस्लीम किया और इधर मुसलमान जो जमूर हैं इन्होंने भी वजूद जिन को तस्लीम किया और तवातुर के साथ जिनों की अखबार अम्बिया अलमसलाम से भी साबित हुई मुख्तलिफ़ उम्मतों के अंदर सिर्फ़ फ़लासफा में से कोई मुठ्ठी भर फलासफ़ा हैं जो हाल के जिन्होंने जिन का इनकार किया जिनों के लिहाज से ये बुनियादी तौर पर जहन में रखना चाहिए एक है लफज़ शैतान और एक है लफज़ इबलीस। इबलीस एक है और शैतान कई हैं तो वो जान जो है जान उसकी औलाद में से जब ये मकसद हो सिर्फ़ जिन को बयान करना जो सिंपल जिन है तो फिर इंसान के मुकाबले में तो उसे जिन्नी कहा जाता है मनसूब अल जिन यानी जिन्नी और इंसी इस तरह आपस में इनका तस्करा होता है क्योंकि वैसे जिन्नों के लिहाज से जो शैतानों में फिर ज़्यादा सरकश हो जाए तो उसी जिन को फिर अफरीत कहा जाता है वैसे अफरीत का इतलाक़ उर्दू अदब में तो बड़े सांप पे किया जाता है लेकिन जो बहुत खबीस जिन हो उस जिन को अफरीत के साथ ताबीर किया जाता है यानी मुतलकन जिनों में से खबीस बने तो वो शैतान होता है और शैतानों में फिर जो खबीस तरीन हो उसको इफरीत के साथ ताबीर किया जाता है नाफरमान जिनको शैतान से ताबीर किया जाता है तो इबलीस जो है उसकी सारी औलाद आगे शयातिन हैं और फिर शैतान का इतलाक़ जो है वो बाज़ इंसानों पर भी किया जाता है इन शयातिन जिन के जिनों और इंसानों में से शयातिन तो वो अगरचि इंसान वो ये नहीं कि कोई आग के बने होते हैं मट्टी के ही होते हैं मगर अपनी आदतों के लिहाज से वो शैतान की सोहबत का असर उन पर होता है तो फिर उनको शयातीन से ताबीर किया जाता है कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे रब़़ुलजल ने जान का बार बार ज़िक्र किया शूरा रहमान में है वला कल जान मार जमार और पहले जिस तरह ज़िक्र किया वलजान ना खलक ना हो मिन कबल मिन ना समूम तो तख्लीक़ के लिहाज से जिन आग से बना है बाज़ जो हमारे है मसलन इमाम राजी उन उन्होंने जिन की बास में लिखा कि ये जिन हवा से बना है मगर जो राजे कौल है और वैसे जो खुद कुरान में मौजूद है तो ये इसकी तख्लीक आग से हुई है मगर आग से तख्लीक का ये मतलब नहीं है कि ये हर वक़्त ही आग की शक्ल में रहता है फिर तो यानी ये जहाँ से गुज़रे वहाँ आग लग जानी चाहिए तो हर वक़्त ये आग की शक्ल में नहीं रहता इस पर यह दलील है कि जब ये जिन ऊपर सुनने के लिए ख़बरें आसमानों के करीब जाते हैं जिस तरह सरकार दो वल्म की विलादत से पहले ये ख़बरें ऊपर से ले आते थे और जब सरकारी दोल्ला वसम की विलादत हुई और उसके बाद सिक्योरिटी सख्त हो गई आसमानों की तो फिर फरिश्तों की ये ड्यूटी लगी कि जब ये एक दूसरे के ऊपर बैठ के जुड़ते जुड़ते आसमान के करीब जाएँ तो आगे फ़रिश्ते इनको आग बरसाएँ इन पर तो ये बाकायदा सियासत की हदीस है आग बरसाने की जिसको आम उर्फ़ में सितारा टूटना कहा जाता है तो अगर ये यानी हर वक्त आग ही की शक्ल में रहें तो फिर आग बरसाने से इन्हें नुकसान क्या होगा कि इनको सज़ा के तौर पर आगे इन पर आग बरसाई जाती है तो इससे पता ये चलता है कि तख्लीक इनकी आग से हुई लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर वक़्त ये सूरत आग में रहते हैं इसको समझने के लिए हमें हज़रत आदम की तख्लीक जो है वो ख़ाक सी हुई मट्टी सी हुई और अब औलाद आदम ये नहीं कि हर वक़्त वो मट्टी हैं यानी इनकी मौजूदा सारे इंसानों की सूरत हाल वो पड़ी हुई मट्टी से बिल्कुल मुख्तलफ है यानी ये नहीं कि इनको कहा जाए कि ज़रा मट्टी पानी में पिघल जा घ जाती है तो ये इंसान भी कहीं पानी में दाखिल हो तो घुल जाए ऐसा नहीं है तो इसी तरह वो जिन अगरचे आग से बना है मगर हर वक्त वो शक्ल आग में या आग के खवास की सूरत में नहीं रहता बल्कि आगे उसके मुख्तलिफ़ हालात मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ़ शक्लों में बदलते रहते हैं इस सिलसिला में एक हदीस शरीफ जो मुसंद इमाम अहमद बिन हम्बल में है और दलाल नबूवत के अंदर इमाम बहकी ने भी उसको ज़िक्र किया है कि नबी अकरम अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आरा वली शैतान फ़ी सलाती मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो शैतान आ धमका उसने मेरी नमाज में मुदाखलत करने की कोशिश की फ़न नक तो हूँ तो मैंने उसका गला दबाया यानी शैतान जिसे अपने वसव से डालने पर बड़ा घुमंड था और अपनी ताकत पर बड़ा घुमंड था तो रसूल अक्रम अलैहि वसल्लम ने यूँ दबोच लिया हाथ में और उसका गला दबाया तो सरकार फरमाते हैं फरई तो बरदारी के ही यदि, तो उसके मेरे दबाने से शैतान के मुंह से थूक निकल आया और वो थूक मेरे हाथ पे लगा तो मुझे ठंडा लगा फवद तो बरदारी के ही अलायदी तो मैंने शैतान के थूक की ठंडक अपने हाथ पर महसूस की तो अगर वो हर वक़्त जलती आग की तरह ही होता तो फिर थूक का तसुर नहीं हो हो सकता था चे जा के आगे फिर थूक ठंडा भी होता तो इस बुनियाद पर यानी ये जो हदीस शरीफ के अल्फाज हैं इससे ये पता चलता है कि तख्लीक अगरचे उसकी आग से हुई है लेकिन हर वक़्त वो बसूरत आग नहीं रहता आगे मुख्तलिफ किस्म के उसके अहवाल होते हैं नबी अकरम नूर मुजस्म शफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो सही मुस्लिम में है हज़रत आयशा सिद्दीक रदी अल्लाह तह रिवायत करती हैं कि रसूल अक्रम सम ने इर्शाद फरमाया खोले का तिलमलाई का तो फरिश्तों को आग से पैदा किया गया व खोले का जान ममार जम और जान जो है उसको आग से पैदा किया गया फ़रिश्ते नूर से पैदा हुए होले का तिल मलाई का तो मन्नूर फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया और जान जो कि जिन्नों का बड़ा है उसको आग से पैदा किया गया व खोले का आदम मिम्मा वो सिफ़ालाकुम और आदम सलाम को उससे पैदा किया गया जो तुम्हें कुरान मजीद बुरहान रशीद में बताया गया है यानी मट्टी से इस हदी से जो सही मुस्लिम के अंदर है यानी ये मालूम होता है कि जिनकी तख्लीक में दूसरी राय रखना बहुत कमज़ोर बात है ये आग से ही पैदा हुआ कुरान में भी है, हदीस में भी है लेकिन तख्लीक़ के बाद जिस तरह इंसान मट्टी से पैदा हुआ तो ये नहीं कि इसके बाजू मट्टी के हैं अब ये इसकी यानी जिसम अडियाँ गोश्त इसकी और हैसियत है तो जो मट्टी के खवास हैं ये हर वक़्त उनका तर्जमान नहीं है तो ऐसे ही आग भी हर वक़्त वजूद जिन के अंदर भड़कती हुई मौजूद नहीं होती जिन्नों की कई अकसाम हैं और ये अकसाम खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं इमाम बहकी की किताब है अल अस्मा वफ़ात उसके अंदर इमाम बहकी ने यह हदीस ज़िक्र की है कि रसूल अकरम वसल्लम ने अल जन्नों सलासत असनाफ़ जिन तीन किस्म के होते हैं फिनफन लहुम अजनेहा एक किस्म जिन्नों की वो है जिनके पर होते हैं अजनेहा यू ना बिहा फिलहे वो उन परों से हवा में उड़ते हैं अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातें भी साबित हैं बशल हदीस वो ये आज के जो लोगों की उगलूते हैं और घड़ी हुई बातें हैं इनके मुकाबले में हमारे लिए सरकार के फराम में रहनुमाई है और उस पर ईमान और यकीन है फरमाया कि जिन जो हैं ये परों पर हवा में उड़ते हैं अब कोई ये कहे कि हमें उड़ते नज़र नहीं आते या अगली किस्में तो उसमें लफ्ज़ जिन का मतलब ही ये है कि जो नज़र ना आए यानी ये इमाम बैज़ावी रहमत ने तफसर बैजावी में ये बताया कि बशर की वजाहत में कि बशर जिन के मुकाबले में है तो इनका आपस में मुकाबला किस तरह है कि बशर वो होता है जो उसकी जसामत वजूद उसका नज़र आता है और जिन वो है जो नज़र नहीं आता यानी ये नहीं है कि बशर वो है जो का बना हुआ हो बशर वो है कि यानी अब आप जितने हजरत यहाँ बैठे हुए हैं तो कोई एक भी ऐसा नहीं कि जिसमें ये सलाहियत हो कि वो अपने आप को नज़र ना आने दे यानी ज़रूर उसकी शक्ल सूरत जहाँ भी इंसान बैठा हो वो अगर सामने है कहीं किसी पर्दे के अंदर नहीं है तो वो अपने आप को छुपा नहीं सकता ये है बशर होने का मतलब कि उसकी जिल्द, चमड़ा खाल ये जाहिर है उसका वजूद और जीम और दो नून ये हरूफ का मादा अरबी ज़ुबान में जिसमें भी आता है वहाँ छुपने वाला मतलब ज़रूर होता है जिस तरह के लफ्ज जुनून है तो अकल को ढांप देता है जिस तरह के जन्नत है तो वो हमारी आँखों से छुपी हुई है जिस तरह के जिनान यानी दिल को और बातन के अमूर को उससे ताबीर किया जाता है तो वो भी छुपा हुआ है तो जिन भी यानी अपने माने में अपने लफ्ज़ की रोशनी में कि जिन वो हो है कि जो छुपा हुआ है यानी आम हालात के अंदर वो नज़र नहीं आता अगरचे नज़र आ सकता है लेकिन वो जिस वक़्त अपनी एक रूटीन में है तो वो मौजूद होने के बावजूद नज़र नहीं आता जिस तरह के मसलन, अब जितने भी इंसान यहाँ मौजूद हैं सब नज़र आ रहे हैं लेकिन न जाने कितने जिन हों और उनमें से कोई भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जिन के जिन होने का मतलब ही ये है कि वो अपनी असल तख्लीक के लिहाज से उसके जो हर वक़्त आम उसकी हालत है बशर के मुकाबले में वो ये है कि वो नज़र ना आए अगरचे फिर नज़र आने के मुख्तलिफ़ इसब भी हैं और मुख्तलिफ मख्तलफ़ूरते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी किस्म जिन्नों की सिनफ़न हयातुन व किलाब कि वो सांप और कुत्ते हैं यानी हैं जिन लेकिन शकल उनकी सांप की है और वो शक्ल सांप में ही लोगों को नजर आते हैं यानी उनका काम परों से उड़ना नहीं है वो सांप की शक्ल में जिन होते हैं और ऐसे ही किलाब यानी हर कुत्ता ऐसा नहीं लेकिन कुछ कुत्तों की शक्ल में जिन होते हैं और वो मतलब घरों के अंदर या कहीं ऐसा कोई सांप ज़ाहिर होता है फिर ये हुक्म भी है कुछ उसको ये कहा जाए कि तुम्हारा माह था अलैहिस्सलाम से कि तुम इंसानों के घरों में नहीं आए हो तो अगर तुम जिन हो तो फिर भाग जाओ यहाँ से वरना तुझे कत्ल कर दिया जाएगा तो ये यानी उसको मारने से पहले उसे कहा जाए हदीस शरीफ़ के मुताबिक तो अगर वो जिन हुआ तो फिर गायब हो जाएगा क्योंकि तो अगर जिन होने की शक्ल में उसको मारा जाएगा तो फिर मारने वाले का बहुत नुकसान हो सकता है कि जब जिन सांप की शक्ल में हो और फिर उस सांप को मारा जाए तो इस पर बहुत मुजिर असरत मुरतब हो सकते हैं साथ ही किलाब यानी कुछ कुत्ते जो हैं यानी चलते फिरते इंसानी आबादियों के अंदर कुत्ते हैं शक्ल कुत्तों की है लेकिन होते वो जिन हैं तीसरे नंबर पर सिनफन यहल्लून व यज़अनून के जो किसी दूसरे जिस्म में ज़ीरू के अंदर वो उन्होंने हलूल किया होता है किसी दूसरे जिस्म के अंदर उन्होंने हलूल किया होता है और वो जिस्म उनकी गोया की एक सवारी होते हैं तो इसमें भी यानी अलीहदा कोई पहचानने की सक, सूरत नहीं है ना वो नज़र आते हैं जोड़ रहे हैं और ना ये नज़र आते हैं जिन्होंने हलूल किया हो बाकी जो सांप की शक्ल में हो, यानी वो सांप की शक्ल वाले ये मतलब नहीं कि उस शकल को ख़त्म नहीं कर सकते वो अचानक गैब हो सकते हैं और ऐसे ही कुत्ते की शक्ल वाले भी लेकिन वो इस शक्ल में आम इंसानी आबादियों में और लोगों को देखने में नज़र आते हैं तो नबी अक्रम नूर मुजस्म शफी मुआज़म सल्ला वसल्लम से फिर जिन का मुख्तलिफ शक्लों के अंदर जाना तब्दील हो जाना इसका भी तस्करा मौजूद है और ऐसे ही जिन का शक्ल इंसानी इख्तियार कर लेना इसका भी सबूत जो है वो शरीय मतहरा में मौजूद है एक हदीस शरीफ़ में है कि हमारे आकाश सल्ला वसम ने फरमाया अल अलबल शैतान कि जो काला कुत्ता है ये शैतान है तो आम कुत्तों के मुकाबले में फिर उसके अंदर उस शक्ल में जिन के होने के चांसेस जो उस कैटागरी के, के जिन हैं ये ज़्यादा है नबी अकरम नूर मुज़स्सम शफी मुआज़म सल्ह वसल्म का ये फरमान मौजूद है जाम तिरमजी में इन् ते तन्न कद असलमू के मदीना मुनवरा में कुछ जिन हैं जो कि मुसलमान हो चुके हैं चूँकि हमारे आकाश वसलम जिस तरह इंसानों की तरफ नबी बना के भेजे गए हैं इस तरह जिन्नों की तरफ भी नबी बना के भेजे गए हैं यानी आपने जन्नों के लिए भी आकाम पहुँचाए हैं जिन भी मुकलफ़ हैं चूँकि जो अल्लाह तला फरमा तमा ख़ल जन्न वनस अल याबुदून तो फिर इबादत के तरीक़े जो हैं वो जिन्नों के लिए भी हैं और वो भी मुक़ल्लफ़ हैं कि उन तरीक़ों के मुताबिक अल्लाह की बंदगी करें इस वास्ते यानी माजी में फिर ऐसे भी हुआ कि कुछ जिन भी मुफ्तिया कराम इस के पास पढ़ते रहे और फिर उनका यानी एक लकब है मुफ्ती सा के वो जिनों के मुफ्ती थे इस तरह कई तस्करे मिलते हैं तो रसूल अक्रम सम ने फरमाया ये जो मदीना मरवरा के जिन मुसलमान हो चुके हैं फैजा रई तुमिनवामिर शैया अगर तुम अपने आबादियों के अंदर कोई चीज़ ऐसी देख लो तो तीन बार तुम उनको वार्निंग दो कि तुम यहाँ से चले जाओ और अगर वो वहाँ से ना जाए तो फिर उसके बाद जो है फ़िन बदाल कुम फ़क्त हो अगर तुम चाहो तो फिर उसको कत्ल कर दो यानी पहले ये है कि तुम उसको मुतवज्जे करो और इस हदीस के ज़रिए से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हुआ है तुमको कि तुम इंसानों के घरों में ना आओ तो इस वास्ते तुम यहाँ से चले जाओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से जिनों को दूर हटाने के लिहाज से कि जब ये कोई आसार या कराइन पाए जाएँ इसका मुस्तकिल तो हम मौजू के आखिर में बयान करेंगे लेकिन ये जो चूँकि हदीस में इसका यहाँ ज़िक्र आया तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में हज़रत उमर रदी अल्लाह तालों ने आगे ये बयान किया जो कि मुसनफ़ रज़ाक में है कि आपने फरमा फ़ इज़ाराई तुम मिनजाल का शैयन फ़ेनू कि जब जिन्हों में से कोई चीज़ तंग करने वाली पाई जाए तो तुम अज़ान पढ़ो फ तो यानी बजाय इसके इंसान किसी आमिल की तरफ जाए या और कोई तरीका गैर शरी अपनाए तो हज़रत उमर रजी अल्लाह त हो ने जो बयान किया यकीन यानी ये तलीमत रसूल पाक सल्ला वम की तालीमात से माखूज हैं और ये बिल यकीन यानी इतनी बड़ी जरब है बिलखसूस काफिर जिन्हों के लिए कि जो तंग करते हों कि जब तुम अज़ान पढ़ोगे तो उससे कसरत से अजान अगरच नमाज का वक्त ना भी हो इस इरादे से कि शैतानों और जिनों से निजात मिल जाए तो ये बहुत बड़ा सहारा है उम्मत के लिए जो अजान की शक्ल में दिया गया है जिस तरह बाकी बीमारियों से बचाव के लिए अज़ान पड़ी जाती है मुख्तलिफ आफात को दूर करने के लिए तान या करोना को दूर करने के लिए तो ऐसे ही जो सरकश जिन हैं उनसे बचाव के लिए भी अज़ान का बहुत बड़ा किरदार है क्योंकि एक दूसरी हदीस शरीफ में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जिस वक़्त नमाज़ पढ़ने के लिए कोशिश करता है तो मुख्तलिफ़ व से शैतान डालता है तो जब अज़ान होती है तो शैतान भागना शुरू कर देता है वहाँ तक भागजा जाता है जहाँ तक आवाज़ आती जाती है यानी यहाँ तक ज़िक्र है कि वो इस घबराहट में भागता है कि उसकी हवा भी निकल जाती है और फिर जब अजान खत्म होती है तो वापस आता है फिर जब तकबीर पड़ी जाती है तो फिर भागता है तो इस यानी हदीस शरीफ से भी पता चलता है कि अज़ान में ख़ास पावर है यानी शैतान को बड़ा डर आता है अज़ान के कलमात से और ये यानी ज़रूरी नहीं कि उससे से बचाव के लिए जब अजान पढ़ी जाए तो मौजन की तरह बुलंद आवाज़ से ही पढ़ी जाए अगर कोई आहिस्ता भी यानी जिस तरह तिलावत की जाती है सूरत की इसी तरह कोई अजान के अल्फाज़ पढ़ेगा, तो उनका भी असर ज़ाहिर होगा और आवाज़ से पढ़ेगा, तो उसका बतदरीज़ असर जो है वो ज़्यादा होगा रसूल अक्रम सम ने जो इर्शाद फरमाया उसकी रोशनी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह फरमाते हैं जो कि तबरानी में हदीस मौजूद है कि हमारे आका अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलहयात जिन के सांप जो हैं ये जिन्नों की मसह शुदा सूरत है साम्प कुल्लम कमा तो वल खनाजीर मम बनी इसराइल जिस तरह के बनी इसराइल में अजाब जब आया तो लोग उनकी शक्लें मसख करके उन्हें बंदर बनाया गया और खनज़ीर बनाया गया माज़ल्ला तो ऐसे ही खाल के कायनात जल्ला जलालू जला ने जिन्हों को जो बागी और सरकश थे उन पर जब अजाब भेजा तो उनको सांपों की शक्ल के अंदर तब्दील किया रसूल अक्रम सम से हज़रत जाबिर रदील्ल् तै अन हो ये भी रवायत करते हैं कि जब हमारे आका आकाश ने ये इरशाद फरमाया कि सफ़र रात को किया करो अलीकुम बिदुल जा इसकी वजह क्या बयान की फरमाफ इन अरदा तुतवा बिल के रात को ज़मीन को लपेट दिया जाता ये एक मुस्तकिलहस है कि क्या वाकई लिपट जात सिमट जाती है कि जो फ़ासला 100 किलोमीटर था वो पचहत्तर किलोमीटर हो जाता है या ये किस तरह इसका मतलब है तो दोनों पहलू लिए गए हैं सिमट के, के लिहाज से जो सूरत हाल है वो एक मावराए अकल मसला है इस पर ईमान लाना ज़रूरी है यानी ये ज़ाहरी तौर पर सिमटे तो फिर तो कई दरख्त उल्टे हो जाएं, कई घर उल्टे हो जाएं कि पहले फैली हुई थी सौ किलोमीटर थी सिमटी है तो अब कई घर जो हैं वो उल्टे हो गए हैं तो इसके अंदर ये बरहक़ है कि रात के वक़्त ज़मीन को समेटा जाता है और जिस तरह मसलन मेराज की रात के मामलत थे तो उस वक़्त की जो आबादियाँ थीं रसूल पाक सल्ला वसलम के लिए कई बार ज़मीन को लपेटा गया तो इसका यह मतलब नहीं है कि फिर ज़मीन पर तूफ़ान आ गए या ज़मीन पर खंडरात बन गए तो ये अल्लाह की कुदरत है कि सिमटने के बावजूद जो जहरी असरात हैं वो ज़ाहिर नहीं होते और साथ ये बताया गया है कि बंदा जब उसको इर्द गिर्द चीज़ें नज़र आ रही हों तो उसको थकावट एक खुद ब खुद देखने में भी होती रहती है और जब उसे कुछ भी नज़र ना आ रहा हो अंधेरा हो तो उसके लिए वो दाएं बाएं का जो रश है और चीज़ें उनकी वजह से उसे रिलीफ होता है और वो यानी ये समझता है कि अब तो वक़्त ही नहीं लगा और इतने में हम पहुंच भी गए हैं तो यानी इस तरह के उमूर भी अंधेरे के लिहाज से मौजूद हैं लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर ये इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें रात के सफ़र के अंदर जिनों के तरफ से कोई दुशारी पेश आए तो हमारे आकाश अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नादु बिल अजान तो फिर तुम अज़ान पढ़ो यानी रात के सफ़र के अंदर अजान से तुम मदद हासिल करो और जिन्नों के मामलत के अंदर ख़ुसूसी तौर पर जिन्नों के लिहाज से जो चूँकि मौजू हमारा है अहवाले जिन तो खाना पीना निका करना ये जो मौजूद हैं इस पर भी अहादीस में तस्करा मौजूद है यानी जिन खाते पीते भी हैं और निका भी करते हैं खाने पीने के लिहाज से फिर आगे दो राय हैं यानी एक जो जमूर की राय है कि वो यानी खाना बमाना निगलना चबाना ये बाकायदा पाया जाता है और बाद ने कहा कि खाने का मतलब है खुशबू लेना यानी वो किसी चीज़ को सूंघते हैं तो इससे ही वो खा लेते हैं ये दो जुदा जुदा मौक़ हैं लेकिन रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ज़िक्र किया गया है आपके पास जिनों का वफ़द आया और उन्होंने रसूल पाक सल्ला वम से दरख्वा की कि ये आपकी जो इंसानी उम्मत है ये हमें तंग करती है कि हड्डियों पर गोश्त आता है हमारे लिए यानी ये खा के जब हड्डियाँ फेंकते हैं तो हमारे लिए हड्डियों पर ख़ुराक होती है अल्लाह की तरफ से उगाता है गोश्त यानी जो इंसानों को तो वो हड्डी नज़र आती है लेकिन वो हड्डी जो किसी कूड़े के ढेर पे पड़ी हुई है हमारे लिए उस पर ख़ुराक होती है तो तुम्हारे कुछ उम्मती जब उन्हें कोई ढीला वगैरह नहीं मिलता तो वो हड्डी बतौर इस्तिंजा इस्तेमाल कर लेते हैं और इससे फिर हमारी खुराक जब आलूदा हो जाती है तो आप इनको मना करें कि ये ऐसा ना करें तो रसूल करम अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ला तस्तंजू बिर रौ से के लीद जो लेदने हैं खुश उनसे और हड्डियों से तुम इसजा ना करो क्यों फरमाया फरमाएफ़ इन नहुमा तमाम जिन ये तुम्हारे जिन भाइयों का खाना है यानी एक तो भाई भी फरमा दिया कि ये तुम्हारे भाई हैं फिन नहमात तमाम अखवानकम्ल्जन यानि तुम्हारे जिन भाइयों का ये तमाम है तो ताम का साबित होना पता चला कि फिर खाना उनकी तरफ से पाया जाता है और एक हदीस में है कि ये जो लीद है इसलिए मना किया कि जिन्नों की सवारियों के लिए उस पर चारा बन जाता है तो यानी ये भी कि उनका सवार होना और उनकी सवारियों के लिए अलीहदा किस्म का चारा होना और फिर ख़ुद जिन जो हैं उनका खाना और पीना ये सारी चीज़ें जो हैं हदीस शरीफ से साबित हैं और ये जो अलफाज हैं इससे पता चलता है कि वो फिर सिर्फ खुशबू नहीं लेते बाकायदा चबाते हैं और खाते हैं इस तरह की सूरत हाल उनके अंदर पाई जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में ये जिक्र किया गया कि सरकार अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तवायत करते हैं इज़ा आकाल अहा फल या कुल कि तुम में से जब भी कोई खाए तो दाएं हाथ से खाए वाइजा शारबा फल या फल यब यमीन ही जब पिए तो दाएं हाथ से पानी का गिलास वगैरह पकड़ के पिए अब ये तो एक वैसे हमारे लिए हुक्म है इस अगली जो अगला हिस्सा इसी हदीस का उससे जिनों के बारे में मालूम मिलती हैं कि सरकार ने फरमाफ इन शैतान यो ही व यशरब बेशु ही क्योंकि तो जिन जो है वो बाएं हाथ से खाता है शैतान जो है वो बाएं हाथ से खाता है और शैतान बाएं हाथ से पीता है तो ये यानी एक पता चला कि उसका तरीक़ा इस तरह है तो इंसान उस तरीक़े पे ना चले जो शैतान का तरीक़ा है मोमिन उससे बचे लेकिन ज़िमनन ये पता तो चला कि वो पीता भी है या शराबों के अल्फाज रसूल या करम सल्ला ने उसके लिए बोले और या कुलों के अल्फाज भी बोले इसी वास्ते ए, इमाम इबन बर जो बहुत बड़े मुहदस हुए उन्होंने इस हदीस की शरह में ये लिखा कि फ़िहाजल हदीस दलील उन अला शयातिन यूना व यशरबूना के, के इसमें ये दलील है कि शयातीन जो कि जिन हैं वो खाते भी हैं और पीते भी हैं बाज़ ने अगरचे यहाँ भी मजाज मुराद लिया यानी सूंग कोई खाना पीना कहा गया है बहरहाल ये लफज हदीस के अंदर खाने पीने के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं ऐसे ही नबी अकरम अलैहि वसल्लम की हदीस से एक तो जो हमारे लिए हिदायत हैं वो और फिर साथ ज़िमन जो जिन्नों की हालत साबित होगी कि हमारे आकाश इरशाद फरमाते हैं कि इन शैतान लयस्तम अल्लज़ी लम कर इसमें अलैह कि जो खाना शुरू करते वक्त खाने वाले उस पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ें तो शैतान उसको अपना समझता है शैतान उसे अपने लिए कर लेता है यही हिल्लो का लुगवी माना अपने लिए हलाल समझता है क्योंकि उसने हर उल्टा काम करना है तो जब बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई तो वो उसको कंट्रोल मिल जाता है कि वो खाना वो खा ले ये बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से और जब बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए तो फिर उससे वो महफूज हो जाता है अब इसमें भी ईमान बिल ग़ैब है यानी कोई बंदा माजल्ला तजर्बा ना करे कि हमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी और वो दो किलो रोस्ट मंगाया था और दो किलो ही पड़ा रहा शैतान ने तो को नहीं खाया यानी इन सारी चीज़ों में ईमान बिल गैब जो है वो लाजम है कि शैतान का खाना किस तरह मुतसवर है कि उसने उससे क्या चीज़ निकाल ली है या वो खाने वालों के लिए क्या असरात बदन में मुरतब करेगा यानी इस तरह वो जो तब्दीली भी उसमें आएगी उसको ताबीर किया गया है इससे कि शैतान उसको अपना समझ लेता है यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनबी दाऊद और मुस्लिम शरीफ़ में यह हदीस मौजूद है कि हमारे अलैहि वसल्लम इर्शाद फरमाते हैं अब ये हदीस दूसरी तरफ यानी करोड़ों आमिल मिलकर भी वो बचाओ जिन्हों से नहीं दे सकते जो इस हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया है और ये मेरी गुजारिश है कि इसे समझना चाहिए यानी जिन तो हकीकत है कि वो जिन हमला भी करते हैं होते भी हैं लेकिन सरकार ने हमें बेआसरा नहीं छोड़ा बल्कि तरीका बताया है और इस हदीस शरीफ़ के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशात फरमाते हैं इज़ा दाखिल और राजु बहता हूँ कि जब बंदा अपने घर में दाखिल होता है अब ये दिन में कई मौाक़े हैं कि वो बाहर से आता है घर में दाखिल होता तो घर दाखिल होने का भी सरकार ने एक निज़ाम दिया है घर दाखिल होने के लिहाज से भी एक सिक्योरिटी सरकार ने शैतान के मुकाबले में अपनी उम्मत को दी है कि अगर इंसान वो अमल करे तो कोई किसी जिन की क्या मजाल है कि वहाँ कोई मुदाखलत कर सके सरकार फरमाते हैं इज़ा दाखिल जुलू बहता हूँ जब इंसान अपने घर में दाखिल होता है फ़ाकारा इसमल ही तला इंदा दखूल ही जब उसने घर दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम ले लिया यानी बसमिल्लर पढ़ा और दूसरी हदीस में है कि यानी वो तवज़ पढ़े आउज़ बिल्लिमिन शैतानीम फिर पूरा पढ़ ले आउ़ बिल्लिमिन शैतानीम बिसमिल्लम फरमा एक तो घर दाखिल होते वक्त वो बिसमिल्ल पढ़ ले फिर वांद तमाम ही और फिर खाना खाते वक़्त फिर बिसमिल्ल पढ़ ले तो फिर क्या होता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उम्मत पर हद दर्जा मेहरबान है और शैतान से बचाओ में सबसे ज़्यादा महारत आपको है कि किस तरह इंसान शैतान के शर से बच सकता है तो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब घर दाखिल होते वक़्त भी तो मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ ली और फिर आगे खाना खाते वक़्त भी तो शैतान ये कहता है घर से बाहर खड़ा होकर कहता है ला मबी लकुम वला आ कहता है कि अपने चेलों को कि यहाँ तो ना रहने की जगह है ना कोई खाने की जगह है यानी इन्होंने तो बिल्कुल दरवाज़े बंद कर लिए हम अंदर दाखिल ही नहीं हो सकते यानी अगरचे वो हवा में भी मिक्स हो के आ सके लेकिन ये बसमिल्ला की सिक्योरिटी है कि वो फिर अपने चेलों को कहता है कि अब यहाँ तो आज रात नहीं बसर हो सकती यहाँ तो रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है और खाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं है तो फजदा दाखला अब देखो यानी ये सही मुस्लिम सुन बिदाऊ सियात में हदीस है और हम अगर सर्वे करें तो कितने लोग हैं जो इस पर अमल कर रहे हैं और दूसरी तरफ कितने लोग हैं जिनको शिकायत है कि हमें जेल नहीं छोड़ रहे हमें ये तकलीफ़ है और सरकार दो आलम सल्ला व् कितना आसान तरीक़ा बता के गए हैं हमारे आकाश सल्ला व्ल् इर्शाद फरमाते हैं फजदा दाखला जब बंदा घर दाखिल हो फलम यज कुर इन दखूले और घर दाखिल होते वक़्त वो बिसमिल्ला ना पड़े तो फिर काल शैतान हूँ शैतान अपने सारे चेलों को कहता है अदरक तुमुल मबीता वल शाह आओ सारे यहाँ रहने का बंदोबस्त भी है खाने का बंदोबस्त भी है यानी वो अपने चेलों को शतुंगड़ों को उस घर की तरफ जो बुलाता है तो अब सरकार की तालीमत कती हैं सौ फ़ीसद तो उम्मत मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम शिकायत तो आज हम लोग करते हैं कि हमारा ये नुकसान हो गया वो नुकसान हो गया बेबरकती हो गई है या जिन हैं वो है और सरकार जो तरीक़ा बता के गए हैं उस तरीक़े को बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है यानी शैतानों ने अपने डेरे बनाए हुए हैं अपने मेले लगाए हुए हैं बिस्मिल्लाह जब नहीं पड़ी गई तो शैतान तो उसकी जो है वो तशीर कर रहा है कि आ जाओ इस घर में आ जाओ और कितने घर हैं मोहल्ले में कि जो लोग ये इस तरह नहीं इस पर अमल कर रहे तो इस बुनियाद पर ज़ाहिर है कि जब शैतान एक नहीं कई आ जाएंगे घर के अंदर तो काम तो फिर उन्होंने शैतानों वाले ही करने हैं वो शैतान और वो रहमानी काम किस तरह कर सकें तो इस बुनियाद पर यानी ये एक बंदा कती तौर पर सौ फ़ीसद से ज़ायद यकीन रखता हुआ वो इस पर अमल करे तो किसी जिन की मजाल नहीं कि वो कोई मुदाखलत कर सके क्योंकि रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुज़म अलैहि वसल्लम ने उम्मत का हर मसला हल किया है और जिन्नों का हमलों के लिए नहीं छोड़ा ये मसला भी सरकार दोआलम सल् वम ने ख़ुद हल किया है और देखो इसके लिहाज से बात भी बड़ी कोई मुश्किल नहीं है कि फला सूरत सारी ज़ुबानी पढ़े हालांकि वो तो नूरुन अला नूर है यानी ये था कि हर उम्मती को ज़रूरत है तो बिस्मिल्लाह तो हर किसी को आती होगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का वो अपना विद बना ले वजीफ़ा बना ले तो इतने काम से ही उसको कितना रिलीफ मिल जाएगा शैतान से कि वो वसवसे नहीं डालेगा वो गफलत नहीं लाएगा सुस्ती नहीं होगी और इसके अलावा उसके जो दीगर शैतानी हमले हैं उनके लिहाज से भी वो महफूज हो जाएगा ऐसे ही नबी अ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अगर किसी को शुरू में खाना खाते वक्त बसमिल्ला पढ़ना याद ना रहे तो जहाँ याद आए उसी मौका पर यानी खाने के दौरान भी या आखिर में बिस्मिल्लाह पढ़ दे इससे भी यानी शैतान को ज़रब लगेगी असल ये है कि बंदा यानी शैतान के नीचे ना लग जाए उसके जेर असर ना हो जाए और शैतान ये ना समझे कि ये मुझे कुछ नहीं कहता यानी बिस्मिल्लाह से उसे बिजली से भी ज़बरदस्त करंट लगेगा शैतान को हमारे आकाश सल्ला व्म का फ़रमान है अबी अबीदाऊद के अंदर काना रसूल सल्ला वसल्लम जाल सन रसूल पाक सल्ला वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे व रजुलनी या कुलो और एक बंदा खाना खा रहा था यानि सिहबा रदी अल्लाह तुम में से फ़लम यूसम में तो सूरत हाल ये कि उस बंदे ने बसमिल्ला खाने के आगाज़ में नहीं पड़ी थी लमजब का मिनतमी लकमा खाते खाते बस एक लुमा बाकी रह गया था उस इंसान के खाने का तो उस वक़्त जा के उन्हें याद आ गया कि बिस्मिल्लाह तो पढ़ी नहीं है फलम मा रफा ही जब वो आखिरी लुमा अपने मुंह की तरफ उठाया उन से हाबी रदी अल्लाह तहों ने तो उन्होंने पढ़ा बिसमिल्ला व आखिर अल्लाह का नाम इसके आगाज में भी है इख्तिताम पर भी है तो जब उसने ये पढ़ा फ़दाहे का नबी सक्रम सला वसल्लम मुस्कराए अब यह है कि यानी हमारी आंखों पर पर्दे हैं सरकार दो आलम सल्ला वसल्लम की निगाह नबूवत तो अरश पार भी देखती है तो मजमे में यानी जो भी लोग वहाँ मौजूद थे तो उन्हें समझ ना आई कि ये सरकार मुस्कराए क्यों हैं यानी इस कोई ऐसी मुस्कराने वाली तो बात नहीं थी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी मुस्कराहट का सबब खुद फरमा माजाल शैतान या माहु के शैतान इसके साथ साथ खाना खा रहा था फलम ज़र रसमल्ला जब इसने बिस्मिल्लाह पढ़ा है इस तक आमाफी बतने ही तो शैतान ने जो खाया हुआ था सब की उसको कह आ गई है तो यानी उसका नुकसान हुआ है वो तंग हुआ है उसको जरब लगी है वो परेशान हुआ है तो इसलिए मैं मुस्कराया हूं तो अब ये चीज़ें उम्मती को ये जेब नहीं देता कि वो इन चीजों को किसी लेबॉर्टरी में लाने और तजर्बे में ढालने की कोशिश करे कि मैंने मैं देखता हूँ आज पहले नहीं पढ़ूँगा और फिर पढ़ूँगा तो शैतान को यानी कह आए मैं देखूँ और फिर कहे उसे तो कोई नहीं आई यानी इस तरह जो है वो ये एक इस्तेहजा बन जाएगा हदीस शरीफ का तो ईमान बिल गैब की बुनियाद पर ये ज़रूर है कि उसे कह आती है तो अगर बंदे को शुरू में बिस्मिल्लाह याद नहीं रहा तो फिर जब भी याद आए तो ज़रूर पढ़े इस नुक्ता नजर से कि हमारे अलैहि वसल्लम का हुक्म है और इसके लिहाज से शैतान को नुकसान पहुंचेगा अब यहां यह बात भी जिमन समझ आ रही है कि जो इसके साथ उसने मिलके खाना था खा लिया है तो कहा जाता है खा तो उसने वैसे लिया अब फिर बिस्मिल्लाह ना पड़ी जाए तो सरकार दो फिर भी बिस्मिल्लाह पढ़वाई कि असल खाने का यह मकसद नहीं है कि वो तुम्हारा दो किलो जो है वो एक किलो बन जाएगा उसके खाने की वजह से खाना एक उसका मानवी तौर पर है तुम्हें महसूस नहीं होगा और मकसद उसको पीछे हटा के कोई हिस्सी तौर पर तुम्हारा खाना महफूज रखना नहीं बल्कि तुम्हारा खाना बाबरकत बनाना है कि जब उसको जरब लगेगी तो बाबरकत बनेगा यानी शैतान जिस वक़्त वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा तो ये बरकत है इसकी बुनियाद में बरकत पैदा होगी और बरकत होगी तो खाना महफूज हो जाएगा यही वजह है कि सल्लल्लाहु अक्रम वसल्लम ने दूसरे जगह ये बिरसात फरमाया जो जाम तिरमजी में हदीस शरीफ मौजूद है कि हमारे आकाश फरमाते हैं इन शैतान यह दूरो अहदा कुम कुल शै इमन शान ही कि शैतान तुम में से किसी एक के पास आता है हर काम के इन द कुल्ले शरीन में निशान ही हती यह दौरा तामह यहां तक कि बंदा जिस वक्त खाना खा रहा हो तो उस वक्त भी वो आता है यानी शैतान के हमले के जो औकात हैं उनमें जो नामजद वक़्त हैं एक वक़्त खाने का भी है यानी इस वक्त भी वो चढ़ाई करता है और हमला करता है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फाइजा सात मिन आहा दे जब तुम में से किसी के हाथ से लुकमा गिर जाए यानी ये वो तो सबक हो चुका कि बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना है आगे यह है कि लुकमा हाथ से तुम में से किसी के पास से गिर जाए तो सरकार अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसको झाड़ कर जो उस पर कोई तिनके वगैरह लग गए हों फिर तुम उसको खा लो यानी जाहिर है कि अगर वो खाने के काबिल रहा है कोई नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसकी वजह से वो पलीद हो गया हो या बहुत ज्यादा उसके लिए मसला बना हो लेकिन मुतलकन यानी थोड़ा बहुत जो है हमारे आकाश वसल्लम फरमाते हैं कि उसके साथ जो कोई चीज़ लगी है तो झाड़ने के लफ्ज़ का मतलब यह है कि झड़ सकती है तो उसको झाड़ कर फिर सुथरा करके वो लुकमा तुम खा लो वला या उसको पड़ा ना रहने दो अब यहाँ हिकमत देखो ये नहीं कि उस लुकमे के बगैर गुजारा नहीं या उस लुकमे के वजह से बड़ी कमी आ जाएगी खाने में असल मकसद ये है कि अगर गिरा रहेगा तो शैतान उसको खाएगा और हमने शैतान को नहीं खाने देना यानी तब जाके असरात बरकत के ज़्यादा मुरतब होंगे खाने पर तो सरकार फरमाते हैं ला ज्यादा अवह लिस शैतान तो मेरा उम्मती उसको शैतान के लिए ना छोड़ दे यानी अगर वो पढ़ा रहा तो शैतान उसको तनावल करेगा और शैतान तनावल करे तो ये हमारे दस्तरखान के लुकमें के लिए शायान शान नहीं कि शैतान उसको तनावल करे तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी यहाँ से ये बात पता चली दूसरे मकाम को समझने के लिए कि असल मसला कोई कमी का नहीं है और ना हिस्सी तौर पे कोई कमी आती है असल ये है कि जितना भी शैतान को नुकसान पहुंचाया जाए उसे परेशान किया जाए और उसे महरूम किया जाए कि जब लुकमा गिरा था तो वो अब खुश हो रहा था कि ये तो अब नहीं उठाएगा और ये मैं खाऊंगा तो इसने जब उठा के साफ़ करके खा लिया तो वो देखते ही रह गया तो इस तरह यानी शैतान को हसरत दिलाना और उसको नुकसान देना और परेशान करना इससे सरकार दो खुश होते हैं अल्लाह खुश होता है जिसके नतीजे में एक मोमिन के लिए रब जुल जलाल की तरफ से रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं यहाँ तक जो गुफ्तु पहुँची है तो ये शैतान के अहवाल जो हैं उनमें से यानी ज़िक्र करते करते खाने पीने तक का तस्करा हुआ निकाह के लिहाज से पूरा ये मजमून जो आज हमारा मौजू था इस वक्त में बयान नहीं हो सका तो इसका अगला हिस्सा इन आगे कोई फिर मौजू रखेंगे शैतान के लिहाज से तो अभी बहुत से इसके बाकी हैं निकाह के मामलों के लिहाज से और बाकी अमूर और बचाव के जो तरीके हैं और ये कि ये इनके मसाकिन कहाँ कहाँ हैं इन मौजूदा सूरत हाल में ये रहते कहाँ हैं इंसानों की आबादियों में पहले तो सारे जजीरों में चले गए थे और इस तरह दीगर बहुत सी उमूर जो हैं वो इन अगले सेशन में उसको बयान करेंगे बहरहाल आज के पैगाम से दो बातें बतौर अमल के नहायत अहम हैं एक तो यानी अजान का सहारा लेना कि जिस घर में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है वो कसरत से अजान का अहतमाम करें यानी अजान बिल बिलजहर भी दें अजान बर भी दें और मुख्तलि अवात के अंदर वो अजान दें और साथ ये है कि घर के जितने अफराद हैं वो घर में दाखिल होते वक़्त आऊज़ बिल्लाशानजीम बिसमिल्लम ये ज़रूर पढ़ें और ऐसे ही वो हदीस भी अभी बयान नहीं हुई कि दरवाज़े जब बंद करें शाम को तो उन बंद करते वक्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें बर्तन ढांपते वक्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और ऐसे ही खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और ये असरात मुरतब होंगे ईमान की पुख्तगी से यानी बंदा एक यूँ समझ ले कि जिस तरह उसके पास जो है अपने दुश्मन को मारने के लिए कलाशन कोफ है और वो समझता है कि कलाशन कोफ भी बड़ी अच्छी है और पूरी जो है वो लोड है अब वो आए तो सही तो कोई बात ही नहीं मैं उसको ख़त्म कर दूँगा तो कलाशन कोफ की वजह से जो बचाव है एक इंसानी दुश्मन से उससे करोड़ दर्जा ज़्यादा इतमान होना चाहिए एक मोमिन को कि मुझे तो अब पता है कि सरकार ने यह फरमाया हुआ है कि अज़ान पढ़ें तो इसका एक तो हशर नशर हो जाता है बिस्मिल्लाह पढ़ें और आगे आयतुल कुर्सी का भी ज़िक्र आएगा तो इस बुनियाद पर यानी रसूल अक्रम सम की तलीमत पर यकीन बहुत लाजिम है यानी पुख्ता यकीन इतना कति के इसके होते हुए अब मजाल किसी जिन की क्या है तो इस अंदाज़ में जब वो रहेगा और बाकी अगले सेशन में जो चीज़ें बयान करेंगे तो इसके इन शाला बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे अल्लाह ताला हम सब का हम यूँ नासिर हो वाखिरदा दावा या अनिल अनिलहमदल्ला आलमी